नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में और आज है संडे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को हम करते हैं क्यूनि सेशन जिसमें ई पी से जुड़े सवालों के जवाब आप मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं वीडियो में आगे बढ़े से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पी से जुड़े आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ई से जुड़े आपकी कोई प्रॉब्लम आप है इसका सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं और आज की वीडियो में जिन सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ वो सवाल ए फॉर्म से जुड़े हैं आप सभी पी एफ ने कभी ना कभी ए फॉर्म के बारे में जरूर सुना होगा और आप जानते होंगे ए फॉर्म के बारे में लेकिन अगर ए फॉर्म के बारे में आप नहीं जानते तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा जरूर देखें आपको ए फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ई पी एफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो आज की वीडियो का पहला सवाल है कि ए फॉर्म क्या होता है तो ए फॉर्म का पूरा नाम है एडवांस स्टैम रिसिप्ट फॉर्म ये फॉर्म पी एफ को तब काम आता है जब उनका क्लेम सेटल तो हो जाता है लेकिन उनका सेटल किया गया अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ना आकर वापस से पी ऑफिस में चला जाता है यानी कि उनका पी क्लेम सेटल बट रिटर्न हो जाता है अब पी एफ क्लेम सेटल बट रिटर्न क्या होता है या क्यों होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है

कि आपका क्लेम सेटल रिटर्न हुआ और आपने आर फॉर्म भर दिया एस फॉर्म को आपको तभी भरना है जब आपका क्लेम सेटल रिटर्न हो जाए और उसके 15 से 20 दिन के बाद में भी आपको जो अमाउंट था जो रिटर्न हुआ था वो अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट में जमा ना हो तभी आपको ए फॉर्म को भर कर आपके ओरिजिनल पी ऑफिस में जमा करना है याद रखे यहाँ पर पंद्रह से बीस दिन के बाद ही आपको ए फॉर्म को भरना है वीडियो का अगला सवाल है की ए फॉर्म पर किसके सील और साइन करवा सकते हैं तो दोस्तों पिछले दो सवालों में आपने ये जान लिया ए एस आर फॉर्म को क्लेम सेटल पर रिटर्न होने के 15 से 20 दिन के बाद में भरना है और पी एफ ऑफिस में जमा करना है लेकिन यहाँ पर ए एस आर फॉर्म को पी एफ ऑफिस में जमा करने से पहले उस फॉर्म पर हमें सिल और साइन करवाने होते हैं अब फॉर्म पर किसके साइन करवाएं सिले एक बड़ा सवाल है तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप ए एस आर फॉर्म पर अपने एम्प्लॉयर के साइन करवा सकते हैं लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर ए एस आर फॉर्म पर साइन करने से मना करता है तो आप बैंक मैनेजर के भी साइन करवा सकते हैं यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक मैनेजर के भी सिलसाइन आप ए एस आर फॉर्म पर करवा सकते हैं लेकिन अगर बैंक मैनेजर भी ए एस आर फॉर्म पर सेल साइन करने से मना करता है तो आप गजेटेड ऑफिसर तो के भी सेल साइन करवा सकते हैं यह फॉर्म पर ही लिखा हुआ है वीडियो का अगला सवाल है कि ए एस आर फॉर्म को किस तरह से पी एफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि ए एस आर फॉर्म को क्लेम सेटलमेंट रिटर्न होने पर भरा जाता है फॉर्म को भरने के बाद में उस फॉर्म पर एम्प्लॉयर के बैंक मैनेजर के या फिर गजेटेड ऑफिसर के सेल साइन करवाने होते हैं फॉर्म पर सिलसिल होने के बाद में उस फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है तो यहीं से ये यह सवाल आता है कि एस आर फॉर्म को पीएफ ऑफिस में किस तरह से जमा कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस आर फॉर्म को आपको आपके रीजनल पी ऑफिस में ही जमा करना है लेकिन कुछ पी एफ मेंबर्स के साथ ये परेशानी होती है कि उनका जो रीजनल पी ऑफिस है वो दूसरे स्टेट में है दूर है जहाँ तक जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ऐसे में वो पी एफ मेंबर्स ए एस आर फॉर्म कोरियर के माध्यम से भी पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं वीडियो का अगला सवाल है कि ए एस आर फॉर्म को भरने से और पीएफ ऑफिस में जमा करने से क्या होगा तो देखिए जब आपका क्लेम सेटल पर रिटर्न हुआ था तो जो अमाउंट पीएफ ऑफिस में रिटर्न चला गया था आपका वो अमाउंट अगर आपके पी अकाउंट में जमा नहीं होता है वापस से तो आपको ए फॉर्म भरना है अब ए एस फॉर्म भरने से ये होगा कि आपका जो अमाउंट रिटर्न चला गया था और पी अकाउंट में जमा वापस नहीं हुआ है वो अमाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आज की वीडियो का आखिरी सवाल है एसआर फॉर्म को पी एफ ऑफिस में जमा करने के कितने दिन के बाद में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो अगर आप एस आर फॉर्म को पी एफ ऑफिस में जमा करते हैं तो आपका जो अमाउंट रिटर्न हो गया था वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पंद्रह से बीस दिन के अंदर आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि पंद्रह से बीस दिन ही बोला है तो एस आर फॉर्म को जमा करने के पंद्रह से बीस दिन के अंदर ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा ये समय कम ज़्यादा हो सकता है ये समय आपके रीजनल पी एफ ऑफिस के वर्कलोड पर भी डिपेंड करता है दोस्तों ये थे आज की वीडियो में ए एस फॉर्म से जुड़े कुछ सवालों के जवाब अगर ए एस फॉर्म से जुड़े इन सवालों के अलावा भी आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कैसा लगा आपको आज का क्यू ए सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि ई पी एफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी